सारा छोटू जाएगा गिलास रख। मिलाइबल जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। और अपना घर छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी अमन और शुभम भी चले गए हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और अभी करनी है मुझे पैकिंग। पापा का फ़ोन आया है, हम जा रहे हैं आज हिमाचल, और अभी मैंने पैकिंग भी कर दी है। कुछ ही दिन के लिए जाना है तो कपड़े मैंने कम ले जाए हैं। अब रह गई है एक जोड़ी स्लीपर्स, तो एक जोड़ी स्लीपर्स भी रख देती हूँ। फिर मेरी लगभग सारी पैकिंग हो गई है, और अभी मैं ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई हूँ। और मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम तो आज साफ़ है, पर अभी धूप आने में टाइम है। अभी धूप दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं तैयार हो गई हूँ, जब तक मेरी मम्मी तैयार हो रही है तब तक मैं बना रही हूँ चाय। और अभी मेरी चाय भी बन गई है, और अभी हमने चाय वगैरह भी पी ली है। अभी मैं आ रखी हूँ चाची लोगों के घर, और यहाँ आ रखे हैं बुआ और अनीता सब्जी निकालने के लिए, क्योंकि आज बुआ भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। हमारे घर की हालत भी कुछ टाइम तक ऐसे होने वाली है, पर ऐसा नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, अगर मेरा मन नहीं लगेगा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। और यहाँ लगे हैं कद्दू, तो हम तोड़ रहे हैं अपनी बुआ के लिए कद्दू, और चाची लोगों के लिए भी। बुआ ही लेके जाएगी चाची लोगों के लिए भी। और अभी हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई है। और ये है माता रानी का मंदिर, जब तक मैं आती हूँ तब तक इसमें कुछ काम हो जाएगा। अभी जो दृश्य है वो ये है। सारे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए, चल सारे भाई। और अभी हम पहुंच गए हैं सड़क के ऊपर, और ये है नीचे हमारा सुंदर सा गांव। और धूप अभी गांव के उस पार है, अभी गांव में नहीं आई है, अभी गांव में आने में टाइम है। हमारा कोई अभी ऐसा प्लान नहीं था, हमने जाना था पर हमने 1 तारीख के बाद जाना था, पर कल रात पापा का फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, इसलिए हमें अभी जाना पड़ रहा है। और अपना घर छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सभी को बुरा लगता है, आज हमें भी बुरा लग रहा है। पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो हमारी भी कुछ मजबूरियाँ ही हैं जो हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। पर हम भी ले जा रहे हैं इतने सारे बैग, जो वाला कट्टा है उसमें अमन के लिए सब्जी है, और इन 2 बैगों में मेरे कपड़े हैं, और उस बैग में मम्मी के कपड़े हैं। अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। प्रणाम प्रणाम भाई। और अमन भी पहुंच गया है, और कैमरे खोलने का यही नतीजा होता है कि सब पैर में छू के नमस्ते करते हैं। और अभी मैं और शुभम जा रहे हैं चंडीगढ़ की टिकट करवाने के लिए, और बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि अमन और शुभम आपके ब्लॉग में नहीं दिखते हैं, तो अभी अमन आ गया है मेरे ब्लॉग में, और शुभम। हेलो गाइस। और आज मेरी मम्मी ने सलवार सूट पहन रखा है। और अभी हमारी बस जाएगी 1 बजे, तो अभी हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार। और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ, शक्ल ही चेंज हो गई है, सीधे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गांव में बने रहते थे ये हीरो, और यहाँ ऐसे लग रहे हैं जैसे इनको हॉस्टल में इतना मारा होगा, जैसे वाली ये भूखे हैं वाली, इन्होंने खाना नहीं खाया 2 दिन से। क्यों किसी ने खाना नहीं दिया? और मैंने बर्थडे को बोला था शुभम के लिए सब्जी देना, और तेरी मम्मी ने सब्जी भी नहीं दी। बच्चे यहाँ भूख से मर रहे हैं, और तेरी मम्मी वहाँ खेतों में पड़ रखी। तो अभी मैं भिखारियों को दे रही हूँ पैसे जूस पीने के लिए, क्योंकि इन्होंने 2 दिन से बल कुछ खाया नहीं है। और अमन के पैर की चप्पल, इतने में तो मेरी 4 जोड़ी चप्पल बन जाए जितने में अमन की 1 जोड़ी चप्पल बन रखी है। एक में सफेद पट्टी है, दूसरे में सफेद पट्टी नहीं है, और मैचिंग कर रखा है इसने पिजामे के साथ। मेरी माँ, जब से मैं घर से आया तब से मैंने कपड़े नहीं धुले, आज धुलने पड़ेंगे। बाहर आके लग रहा है कपड़े गंदे हुए, हॉस्टल में तो पता ही नहीं लगता क्या क्या अच्छा है। तो इसके कपड़े मैंने ही धुले थे घर में, तब से इसने कपड़े नहीं धुले।
ये बेचारा बल कल से झुलस रहा है पेट दर्द से, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो रखी है। मेरी माँ को आता है अपने बेटे पे भयंकर प्यार, मुझे और शुभम को भेज दिया है जूस के लिए। मेरी और शुभम की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए मैं और शुभम लगे पड़े हैं बाहर, कभी टिकट कटाने के लिए और कभी जूस लेने के लिए। मेरे और शुभम के वो वाले हाल हो रखे हैं, राम मिलाईवल जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। हम पूरा बस अंडा चौन मार के आ गए, हमें कहीं जूस ही नहीं दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ जूस लेने के लिए। हद तो तब मच गई जब हम बिना जूस के वापस आ गए, हमें सिर्फ गन्ने का जूस मिला और हमें कुछ नहीं मिला, तो हम बिना जूस लिए आ गए हैं वापस। जहाँ अमन हो वहाँ खाने की चीज़ ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमें जूस नहीं मिला तो अब वो गया है सोडा लेने के लिए। शहरों में तो भयंकर लूट मची है, जब मैं देहरादून में रहती थी तब तो मैं सोडा बहुत पीती थी, 20 रुपए का होता था और आज ऋषिकेश में बस अड्डे में 30 रुपए का मिल रहा है। हम करेंगे इसका रिव्यू। हमारा सोडा भी आ गया है, इससे सुबह का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेट में बनी गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने की तुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी हम पी रहे हैं सोडा, मैं और शुभम इधर बैठे हुए हैं और सोडे का टेस्ट सेम वैसी है जैसे पहले आता था। मैं और शुभम बैठे हैं यहाँ पे और मेरी माँ और अमन बैठे हैं वहाँ पे। धन्यवाद गरीब हो थोड़ा पिलाने के लिए, कल से तुझे खाना नहीं मिला था ना। चरण छू मेरे, मैंने तुझे सोडा पिला दिया। हमारा छोटू जाएगा गिलास रखने के लिए, जाओ छोटू गिलास रख के आओ। वेटर को टिप नहीं दे रही, 70 रुपए दे दिए। तो अभी हमने छोटू को टिप दी है 70 रुपए। अब छोटू अपने मुंह लेके चले गया है गिलास रखने के लिए। लोग टिप देते हैं 10 रुपए 5 रुपए और मैंने अपने छोटू को टिप दी है 70 रुपए की। और आजकल चाचा भी नहीं थे घर पे, इसलिए चाचा से भी मैं नहीं मिल पाई, तो चाचा भी कुछ दिन के लिए गए हैं बाहर ट्रिप पे। कुछ दिन में चाचा भी आ जाएंगे घर और मैं शायद उससे कुछ दिन बाद आऊँ, मैं भी आ जाऊँगी कुछ टाइम के बाद घर। बहुत सारे लोग अमन के लिए कमेंट कर रहे थे और शुभम के लिए कमेंट कर रहे थे कि आपके ब्लॉग में आप अमन और शुभम देखने को नहीं मिलेंगे, तो अभी मैंने ला दिया है अमन और शुभम को, क्योंकि ये भी फिर काफ़ी टाइम के बाद जब मैं आऊँगी दोबारा तब देखने को मिलेंगे। तो तुम्हारे फैन तुम्हें याद कर रहे थे, कुछ बोलना चाहोगे अपने फैन के लिए? रवि को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्रेम देने के लिए, इसको इतना प्रेम देने के लिए। शुभम जी तुम धन्यवाद दीदी को इतना प्रेम देने के लिए। मनी मनी इतना यहाँ के मैं काला हो गया नहीं, और वो तो बिल्कुल हम तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उल्टा तवा हो। उल्टा तवा ये था वो पहले, तुमने देखा होगा। तो बटी मैंने बोल दिया था अपने बेटे के लिए सब्जी भेज, यहाँ देख ले अपने बेटे की हालत, क्यों नहीं भेजी इसके लिए सब्जी। 2-3 दिन ये सब्जी खाता 2-3 दिन फिर ठीक हो जाता, पर बटी ने भेजी नहीं सब्जी। पहली बस पता नहीं कितने बजे आएगी, हमें मिली है दूसरी बस तो हम जा रहे हैं उस पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इंतज़ार करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और अभी ये वाली गाड़ी भी बहुत लेट जाएगी, तो अभी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं हम। मेरी माँ इतनी बोली है अमन ने ला रखी है बाइक, और अमन को बोल रही जबरदस्ती बाइक ना चढ़े पे। मम्मी को मैंने ये भी बता दिया कि चाबी अमन के पास है ना, तो चुराता है बल कोई। चुराता है पर अभी नहीं, रात को कोई कोई मास्टर की से चुरा देता है कोई। रात को तो कोई भी चुरा सकता है, पर दिन तो फिर कोई नहीं चुराता। तो इतनी बोली होती है, सबकी माँ ही बोली होती है, मेरी माँ नहीं सबकी माँ की यही स्टोरी है। और अभी हमारी बस भी आ गई है, इस बस पे जाएंगे हम चंडीगढ़ तक। और अभी शुभम और अमन भी जा रहे हैं अपने हॉस्टल पे और हम निकलेंगे यहाँ से चंडीगढ़। ठीक था भाई, अभी अमन और शुभम भी चले गए हैं यहाँ से और हम बैठते हैं बस पे। और अभी हमने टिकट भी करवा दिया है और हमारी बस भी निकल गई है। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और अभी हम अम्बाला पहुँचे हैं और हालत इतनी ख़राब हो गई है। जब देहरादून से जाते थे तो तब मुझे पता था कि देहरादून होते हुए पाटा साहिब होते हुए जाती है, पर इस गाड़ी का मुझे पता नहीं था कि ये रुड़की हरिद्वार और मुजफ्फरनगर से घुमा के लेके आएगी। अभी 6 बजे हैं, अभी हम अम्बाला पहुँचे हैं, तो अभी देखते हैं कब तक हम चंडीगढ़ पहुँच पाते हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो अभी हमारा खाना भी आ गया है और भूख लगी है बहुत भयंकर, तो हम पहले फटाफट खाना खा लेते हैं। अभी हमने खाना भी खा लिया है और हालत हो गई एकदम ख़राब, और ब्लॉग तो मैं आज बना ही नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल में ही निकल गया। तो अभी देखते हैं कब तक चंडीगढ़ पहुंचते हैं।
अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, अभी फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, पर अभी हमें यहाँ से बद्दी की बस लेनी है और वो बस थोड़ा टाइम बाद आएगी और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। चंडीगढ़ 43 बस अड्डे के नज़ारे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उत्तराखंड से तो मुझे प्यार है ही, उत्तराखंड तो स्वर्ग है, उत्तराखंड के बराबर तो कहीं हुई है ही नहीं। पर दूसरा जो मुझे नेक्स्ट लेवल वाला प्यार है वो है हिमाचल प्रदेश से, और ये आज मैं आई हूँ हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ आने की खुशी तो अलग ही लेवल की है। पर अभी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में और अभी भी बस का वेट करना पड़ेगा, तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। आज फ़िलहाल कुछ ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं रह गई है, इसलिए मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। और अभी बद्दी पहुँचने के बाद भी वहाँ से पापा लेने आएंगे, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।